हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम फ्लूड मैकेनिक्स और डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन हैं और ये जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज द रेसिप्रोकल ऑफ, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड किसके रेसिप्रोकल होता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो होता है वो हमारा किसके रेसिप्रोकल होता है, वन बाई कैसा होता है, इक्वल टू होता है वन बाई मास डेंसिटी। तो ये किसके रेसिप्रोकल होता है, वन बाई मास डेंसिटी, मास डेंसिटी के रेसिप्रोकल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी मास डेंसिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड। बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ, यानी बल्क मॉडुलस किसका रेशियो है, बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ। तो हमारा जो बल्क मॉडुलस होता है, तो इसका हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं आपको। बल्क मॉडुलस जो हमारा होता है, बल्क मॉडुलस हमारा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेसिव स्ट्रेन टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज टू मेजर द फ्लूड प्रेशर इज, तो हम कौन सा डिवाइस है जो फ्लूड के प्रेशर को मेजर करता है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, यानी मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइड है जो फ्लूड प्रेशर को मेजर करता है। कैलोरीमीटर हमारा कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करता है, थर्मोमीटर हमारा टेम्परेचर को मेजर करता है, और हाइग्रोमीटर भी एक तरह का, हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, यानी कितना नमी है वातावरण में। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्लूड प्रेशर को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैनोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पॉपुलरली यूज्ड डिवाइस फॉर लो प्रेशर मेजरमेंट, यानी कौन सा डिवाइस है जो लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर। यहाँ पे केवल लो की बात किया जा रहा है, अगर वेरी लो पूछा जाए, वेरी लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए, तो वो आपका हो जाता है इंक्लाइंड मैनोमीटर, इंक्लाइंड मैनोमीटर। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ अ वाल्व इन अ पाइपलाइन द फ्लो इज, ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ वाल्व इन अ पाइपलाइन द फ्लो इज, यानी वाल्व के ओपनिंग पे जो हमारा पाइपलाइन होता है वहाँ पे कौन सा फ्लो होता है। तो वहाँ पे जो फ्लो होता है वो होता है अनस्टेडी फ्लो, यानी मान लेते हैं हमारे पास एक पाइप है, और यहाँ पे क्या किया गया है, ये हमारा क्या एक तरह का पाइप है, और यहाँ से क्या हो रहा है, पानी वाटर बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लो होगा ना वो अनस्टेडी होगा, अनस्टेडी फ्लो कैसा होता है, जिसमें फ्लूड का जो पैरामीटर होता है वो टाइम टाइम के साथ चेंज कर जाए। नेक्स्ट हम पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवेंथ है हमारे पास, सिक्स तो हो गया शायद आपका, जस्ट वन मिनट, हाँ सिक्स्थ हो गया। सेवेंथ पार्ट को हम लोग देखेंगे। सो सेवेंथ पार्ट में हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे सेवेंथ पार्ट में पूछा है, माइनर लॉसेस डू नॉट मेक एनी सीरीज इफेक्ट इन, यानी माइनर लॉसेस अगर कौन सा ऐसा सीरीज जिसमें कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी लॉन्ग पाइप, यानी लॉन्ग पाइप में हमारा जो होता है वो माइनर लॉस नहीं बल्कि उसमें मेजर लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट,
द हीट लॉस थ्रू फ्लूड फ्लोइंग पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन इज, तो हीट लॉस ड्यू टू फ्लूड फ्लोइंग पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन इज, यानी हमारा हीट लॉस जो होता है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर फ्रिक्शन, यानी सब मेजर लॉस बोलते हैं उसको, मेजर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, द फोर्स एनालिसिस ऑन कर्व्ड वेन इज अंडरस्टूड यूजिंग, तो किसको यूज करके हम फोर्स एनालिसिस कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, वेलोसिटी ट्रायंगल। यानी हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ट्रायंगल की वजह से हेल्प से फोर्स के जितने भी पार्ट है उसको हम आसानी से डिराइव कर सकते हैं, आसानी से उसको यूज करके उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, ब्रेकिंग जेट इन एन इम्पल्स टर्बाइन इज यूज्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू ब्रिंग द रनर टू रेस्ट इन अ शॉर्ट टाइम। क्योंकि जब हमारा टर्बाइन चलता है, तो जब हमारा टर्बाइन चलता है और स्पेस हमारा फ्लूड मोशन की वजह से ये क्या करता है, मूव करता है, तो कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमको टर्बाइन को रोकना होता है, तो उसमें एक ब्रेकिंग का ऑप्शन लगाया जाता है जो कि इस शॉर्ट टाइम में इसका क्या कर देता है, रनर को रेस्ट में ला देता है, तो यहाँ पे ब्रेकिंग जेट वही काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 11th नंबर, विच प्रिंसिपल इज यूज इन हाइड्रोलिक टर्बाइन, यानी कौन सा प्रिंसिपल जो है हाइड्रोलिक टर्बाइन में यूज होता है, तो इस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन है फैराडे लॉ, ये नहीं होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ जो हमारा है वो हाइड्रोलिक टर्बाइन्स में यूज होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पेल्टनविल टर्बाइन इज, पेल्टनविल एक तरह का टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इम्पल्स टर्बाइन रिक्वायर्ड, तो इम्पल्स टर्बाइन हमारे दो तरह के टर्बाइन होते हैं, एक इम्पल्स टर्बाइन और एक रिएक्शन टर्बाइन, तो इम्पल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन। तो इम्पल्स टर्बाइन में हमारा हेड जो होता है वो हाई होता है और डिस्चार्ज होता है वो लो होता है, लेकिन हमारा जो रिएक्शन टर्बाइन होता है इसमें उल्टा हो जाता है, हेड लो हो जाता है और डिस्चार्ज हाई हो जाता है। तो इम्पल्स टर्बाइन के बारे में पूछा है, तो हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज, हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पर्पस ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज टू, तो ड्राफ्ट ट्यूब का क्या पर्पस, तो हमारा ड्राफ्ट ट्यूब लगाने का क्या पर्पस होता है, तो उसके एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, ऑप्शन नंबर डी होगा, इंक्रीज एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप एनर्जी कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रोटर टू फ्लूड, यानी रोटर से हमारे कहाँ तक ट्रांसफर करते हैं, फ्लूड तक हमारे एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड एंटर्स द पंप, यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप में लिक्विड कहाँ से एंटर करता है, मान लेते हैं कि हमारा एक तरह का ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये हमारा क्या है, एक तरह का सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो इसमें लिक्विड जो एंटर करता है वो सेंटर से एंट्री करता है, कहाँ से एंटर करता है, सेंटर से, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एट सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑब्टेन व्हेन प्लेट आर, तो इसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी लाना है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो हमें जो प्लेट्स को करना पड़ेगा बेंट बैकवर्ड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एफिशिएंसी जो होगा उसका ज़्यादा मिलेगा या हाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, NPSH इज रिलेवेंट, तो NPSH रिलेवेंट किसके होता है, इनसाइड द सेंट्रीफ्यूगल, इनसाइड द पंप और टर्बाइन।
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 है, रेसिप्रोकेटिंग पंप इज अ, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप एक तरह का क्या है हमारा, सेंट्रीफ्यूगल पंप एक तरह का क्या है हमारा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, स्लिप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज डिफाइंड एज, तो स्लिप जो हमारा होता है ना, स्लिप हमारा क्या होता है, डिस्चार्ज थ्योरेटिकल माइनस डिस्चार्ज एक्चुअल। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, पहला दिया है सम ऑफ द एक्चुअल डिस्चार्ज एंड थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ये रॉन्ग है, डिफरेंस ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज एंड थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ये आपका सही है, रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज रॉन्ग, और ये नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये हमारा, इस तरह से हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया, अब हम देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को साथ में उसका सोल्यूशन भी। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा ही पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर अपने, ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी में सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन, पहला क्या है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को हम आपको बताते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। तो शॉर्टली समझिए कि एक तरह का हमारा क्या है, क्लोज कंटेनर अगर रहे और उसमें हमने क्या किया, क्लोज कंटेनर में हमने वाटर भर दिया, आधा इसमें वाटर भर दिया, उसके बाद से हमने क्या किया, इसको हीट करना चालू किया। जैसे हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फ्लूड के पार्टिकल है ये ऊपर वाले सरफेस पे क्या करेंगे, ये वेपर बन के ऊपर वाले सरफेस पे फोर्स लगाएंगे। तो ये जो ऊपर वाले सरफेस पे जो फोर्स लगा रहे हैं, इस जो प्रेशर लगा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो ये हमारा वेपर प्रेशर है। उसके बाद हमारा है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी का मतलब होता है द राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन अ थिन ट्यूब, द राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड, फॉल ऑफ लिक्विड इन अ थिन ट्यूब, इन थिन ट्यूब इज नोन एज कैपिलरिटी। कैपिलरिटी, कैपिलरिटी का फॉर्मूला एक होता है जिसमें हम कैपिलरिटी हाइट निकालते हैं, वो होता है 4σ cos θ/2 zd। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, कैपिलरिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और में एक क्वेश्चन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी 6 स्टोक एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.90। तो हमको काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखा है 6 स्ट्रोक। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम न्यू से नोट करते हैं, ये हमको कितना दे रखा है, 6 स्ट्रोक। तो हम सबसे पहले इसको किस में चेंज करेंगे, SI यूनिट में। तो 6 × 1 स्ट्रोक में कितना होता है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो हमारा न्यू किस में चेंज हो गया, 6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। उसके बाद से दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी S का वैल्यू दे रखा है 1.90। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा 1.90 है इंटू ये 1000। तो हमारा से यहाँ से क्या नहीं मिल जाएगा, डेंसिटी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1900 kg पर मीटर क्यूब हमारा क्या मिल जाएगा, डेंसिटी मिल गया। तो डेंसिटी मिल गया है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिल गया है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू म्यू बाई रो। म्यू हमारा क्या होता है, विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी, रो हमारा डेंसिटी, बी हमारा क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इस बी की जगह पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितना है, 6 × 10⁻⁴ इंटू यहाँ पे म्यू, म्यू को रखेंगे अपॉन रो, रो हमारा कितना है यहाँ पे 1900। तो यहाँ पे 1900, तो म्यू हमारा कितना हो जाएगा, ये 1900 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 × 1900 × 10⁻⁴। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, 6 × 1900 × 10⁻⁴। तो ये हमारा आएगा डायनेमिक विस्कोसिटी, या विस्कोसिटी हमारा जो आएगा 1.14 पास्कल सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया, विस्कोसिटी आ गया। इसका एक और यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जो सेम यही चीज़ है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, जो कि हमको म्यू निकालना था। म्यू हमारा क्या है,
विस्कोसिटी, इसी को हम डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ क्या होता है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। पास्कल लॉ क्या होता है, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है और इसमें आपने क्या किया, किसी फ्लक्स को रखा हुआ है, किसी सॉलिड बॉडी को रखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं कोई सॉलिड बॉडी है, तो यहाँ पे जो पास्कल लॉ बोलता है कि इसमें चारों डायरेक्शन से, ऑल डायरेक्शन से इस पे जो प्रेशर होगा वो सेम क्वांटिटी में रहेगा। मान लेते इधर से पी ए प्रेशर लग रहा है, यहाँ से पी बी लग रहा है प्रेशर, यहाँ से पी सी लग रहा है प्रेशर, तो हमारा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ पी ए जो हमारा होगा, यहाँ पे जो पी ए होगा वो पी बी इक्वल टू किसके होगा, पी सी के, यानी सारे प्रेशर हर जगह पे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ हाइड्रोलिक प्रेशर प्रेस हैज रैम 20 सेंटीमीटर डायमीटर एंड एंड अ प्लंजर ऑफ 3 सेंटीमीटर डायमीटर, फाइंड द वेट लिफ्टेड बाय द हाइड्रोलिक प्रेस व्हेन द फोर्स अप्लाइड एट प्लंजर इज 300 न्यूटन। तो इसको हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, एक हाइड्रोलिक प्रेस में 20 सेंटीमीटर व्यास की रैम और 3 सेंटीमीटर व्यास वाला एक प्लंजर है। सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं, इसका मान लेते हैं हमको इसका व्यास आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका व्यास आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 3 सेंटीमीटर व्यास को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.03 मीटर, और 20 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 0.20 मीटर। ये किसमें दोनों कन्वर्ट हो गए, मीटर में। अब बोला है हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा उठाए गए भार पता लगाइए जब प्लंजर पर लगाया गया बल 300 न्यूटन हो। तो हमारा जो प्लंजर है, ये वाला प्लंजर है हमारा, तो इस पे हमको कितना वेट लगा रहे हैं, 300 न्यूटन। तो बताना है कि इस हाइड्रोलिक प्रेस से कितना फोर्स निकलेगा या कितना फोर्स इस पे लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अभी हमने देखा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, पास्कल लॉ क्या बोलता है कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा सेम यहीं पे प्रेशर होगा। तो मान लेते हैं हमें सेक्शन 1 है और ये हमारा सेक्शन 2 है, तो प्रेशर जो होगा सेक्शन 1 पे वो किसके इक्वल होगा, प्रेशर एट सेक्शन 2 के। प्रेशर हमारा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स F1 इक्वल टू फोर्स F2 बाई एरिया 2। तो अब हम क्या करेंगे, फोर्स F1, तो फोर्स F1 इसमें कितना है, 300 अपॉन एरिया। एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, π/4 × d²। डी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 0.03 का स्क्वायर इक्वल टू फोर्स इसमें F2, ये कैलकुलेट करना है अपॉन A2। तो A2 हमारा क्या हो जाएगा, π/4 d²। डी का वैल्यू कितना है, 0.0020 का स्क्वायर। π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा, तो F2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 300 × 0.20 का स्क्वायर अपॉन 0.03 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 300 × 0.20 का होल स्क्वायर अपॉन 0.03 का होल स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे मिलेगा 13,333.3 न्यूटन का फोर्स मिलेगा या बल मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो अप टू 4 पॉइंट। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब होता है, यूनिफॉर्म फ्लो ऐसा फ्लो है जो हर एक स्पेस में, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो इसका फ्लो था वही अगले स्पेस में भी उसका फ्लो सेम रहेगा। तो ये हमारा कौन सा फ्लो होता है, यूनिफॉर्म फ्लो। लेकिन हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ऐसा होता है कि एक स्पेस में, यानी एक जगह पे फ्लो कुछ अलग है तो दूसरी जगह पे फ्लो कुछ अलग हो जाएगा, तीसरे जगह पे फ्लो कुछ अलग हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो आप इसका 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंस लिख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन आपका, सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन जो आपका है, कंटिन्यूटी इक्वेशन वो किस पे बेस है,
कंजर्वेशन ऑफ मास पे वेट है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे वेस्ट है। इसका फॉर्मूला होता है रोवर ए वन बी वन इक्वल टू रो टू ए टू बी टू। रोवर हमारा क्या होता है, डेंसिटी एट पॉइंट वन, ए वन हमारा एरिया एट पॉइंट वन, ऐसे ही सारे चीज़ें इसमें हैं। तो ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन है, आप इसको डिराइव करके आसानी से एक्सप्लेन करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंस मैनोमीटर हेड लॉस इन पाइप फ्लो, यानी पाइप फ्लो में डिफरेंट माइनर लॉस, यानी अलग टाइप के जितने भी टाइप के माइनर लॉस है उन सारे का आपको क्या करना है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 300 mm, लेंथ 50 मीटर, थ्रू विच ऑफ वाटर फ्लोइंग ऑफ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, टेक कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एफ इक्वल टू 0.003 एंड जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी हेड लॉस हम क्या निकालना है, एचएफ। पाइप डायमीटर हमको 300 mm देखा है, 300 mm डायमीटर हमको 300 mm दिया है, यानी कि 300 mm को हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 मीटर। लेंथ हमको 50 मीटर है, एल का वैल्यू 50 मीटर दे रखा है। वेलोसिटी हमको 3 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, और उसके बाद कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन यानी एफ का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.003, एंड जी का वैल्यू हमको दे ही रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमको एचएफ निकालना है, तो एचएफ कैसे निकालेंगे, तो हेड लॉस हम डार्ची इक्वेशन से निकालेंगे, डार्ची इक्वेशन से हेड लॉस क्या होता है, एचएफ इक्वल्स टू 4LFVA² / 2ZD। 4 का 4, एल का वैल्यू कितना है हमारा 50, तो एल की जगह पे 50 इंटू एफ, एफ हमारा कितना है 0.003 का 3 एंड वी स्क्वायर, वी हमारा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 2ZD, तो 2Z का वैल्यू 9.81 इंटू डी, डी का वैल्यू 0.3। अब इसको सॉल्व करके लेते हैं कैलकुलेटर से, हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा, हेड लॉस निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4 × 50 × 0.003 × 3² यानी 9/2 × अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आपको देखिए ये 9.0 जो है ना, जी हमको दे रखा है 10, तो आपको 9.8 नहीं रखना है, यहाँ पे 10 ही यूज करना है, यहाँ पे आपको क्या यूज करना है 10, तो अपॉन 2 × 10 × 0.3। तो हमें यहाँ पे हेड लॉस कितना आ गया, 0.9 मीटर। तो एचएफ का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 0.9 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप का हमको क्या करना है, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का वर्किंग प्रिंसिपल आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप इन रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो स्लिप क्या होता है हमारा, स्लिप हमारा जो होता है वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज होता है, और इसी को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब आ जाते हैं ग्रुप सी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप सी में। ग्रुप सी में क्वेश्चन क्या पूछा है, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एंड सेंटर प्रेशर ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल प्लेट ऑफ बेस 5 मीटर एंड अल्टीट्यूड 5 मीटर व्हेन द पाइप इज इमर्स्टेड वर्टिकली इन ऑयल ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, द बेस ऑफ द प्लेट कंसाइडिंग विद द ऑयल सरफेस। तो इस क्वेश्चन का हमने एक वीडियो भी सेपरेट बनाया हुआ है अपने चैनल पे, फिर भी हम थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब कर देते हैं आपको। देखिए एक तरह का ये वाटर सरफेस है, और यहाँ पे क्या है आपका एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इसका बेस आपको 5 मीटर दे रखा है और हाइट आपको दे रखा है भी 5 मीटर, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखा है कितना,
0.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको कितना दे रखा है 0.8। अब यहाँ से डेंसिटी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, तो डेंसिटी हमारा क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 0.8 इंटू 1000, 0.8 इंटू 1000, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 800, 800 केजी पर मीटर क्यूब हमारा क्या आ जाएगा डेंसिटी आ जाएगा। तो आपको इसमें दो चीजें निकालनी है, टोटल प्रेशर एंड सेंटर प्रेशर। तो टोटल प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो जी ए एच, एच बार। तो एच बार कैसे निकालेंगे, तो यहां पे इसके लिए एच बार जो होता है ना, ये ट्राइंगल है तो फ्रॉम बेस से लेना है ऊपर से नीचे, तो एच बार कहीं ना कहीं यहां पे लाई करेगा, तो एच बार हो जाएगा हाइट बाई थ्री। तो हाइट कितना है थ्री, हाइट कितना है फाइव और बाई थ्री, फाइव बाई थ्री, तो हेड हमारा जो होगा वो फाइव बाई थ्री होगा। एच एच का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा फाइव बाई थ्री, एच का एच बार का वैल्यू फाइव बाई थ्री। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, रो का वैल्यू हमने कितना निकाला 800, जी का वैल्यू होता है 9.81, ए हमारा क्या हो जाएगा 5/4 इंटू डी ए स्क्वायर, या ए हमारा यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ए हमारा किसका निकालना है इस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस इसका कितना है फाइव इंटू हाइट कितना है फाइव, तो पाँच पंचे पच्चीस बट्टा में ये, तो 25 में 2 से भाग करेंगे 12.5, तो हमारा कितना आ गया एरिया 12.5 इंटू एच बार हमारा कितना है 5/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 800 गुणे 9.81 गुणे 12.5 गुणे 5/3, 5/3। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से टोटल प्रेशर जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 1635,000 नहीं 163,500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या मिल गया टोटल प्रेशर। अब हमको निकालना है सेंटर प्रेशर, तो सेंटर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है आई जी बाई ए इंटू एच बार प्लस एच बार। तो यहाँ पे आप केवल आई जी कैलकुलेट कर देते हैं और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई जी हमको निकालना है, आई जी जो हमारा होता है आई जी फॉर आईसो ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए आई जी क्या होता है बी एच क्यू बाई 64। तो बी हमारा बेस है, तो बेस हमको 5 दे रखा है, एच क्यू एच का वैल्यू हमारा कितना है 5, तो यहाँ पे 5 का क्यू बाई 64। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा आई जी, तो 5 का पावर 3 इंटू 5 अपॉन 64 इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा 9.765 आई जी हमको मिल जाएगा मीटर पावर 4। तो आई जी जो मिल गया ना, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे आई जी का वैल्यू रख देंगे, ए का वैल्यू कैलकुलेट हमने कर ही लिया है और एच का एच बार का वैल्यू पता ही है, अब आप सारे वैल्यू को रख देंगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा सेंटर प्रेशर। फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रहा होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको एक लिंक दे देंगे, सेम यही क्वेश्चन हमने फ्लूड मैकेनिक्स के एक वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्यूब इंसर्टेड इन अ पाइप कैरिंग ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85, इफ द ऑयल राइजेस इन द ट्यूब टू हाइट 725 mm, फाइंड द प्रेशर इन द पाइप एंड द प्रेशर हेड इन मीटर ऑफ वाटर। सबसे पहले तो आपको प्रेशर बताना है और प्रेशर हेड मीटर ऑफ वाटर बताना है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए हम एक बना लेते हैं, यहाँ पे एक पाइप है हमारे पास, इसमें क्या बोला है कि अ ट्यूब इंसर्टेड इन अ पाइप, तो इसमें एक ट्यूब इंसर्ट किया गया, ट्यूब डाला गया, ये हमारा क्या है ट्यूब है एक, और ये हमारा एक तरह का पाइप है। पाइप में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है फोयल की, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको दे रखा है कितना 0.85, ठीक है, और यहाँ पे ये जो इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल जो आगे बढ़ रहा है वो कितना एमएम बढ़ रहा है 725 mm। तो अब पूछ रहा है फाइंड द प्रेशर ऑफ इन द पाइप,
फाइंड द प्रेशर इन द पाइप एंड द प्रेशर हेड इन द इन मीटर ऑफ वाटर। तो प्रेशर इन पाइप एंड द प्रेशर हेड इन मीटर ऑफ वाटर, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक रिलेशन होता है यहाँ पे, S1H1 इक्वल टू S2H2। तो S1H1 इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ से हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है? H1, तो H1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं S2 by S1 इंटू H2। H2 का वैल्यू हमको दे रखा है, H2 हमारा ये टू नंबर सेक्शन है और ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है। तो S2 का वैल्यू हमको दे रखा है कितना? S2 हमको दे रखा है 0.85। S1 हम कंपेरिजन कर रहे हैं वाटर से, तो वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0 होता है। इंटू H2 हमको दे रखा है कितना? हाइट, हाइट हमको कितना दे रखा है? 725। तो 725 हमारा हाइट है मीटर में, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, हाइट हमको कितना दे रखा है? 725 मीटर है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? एमएम है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो कितना हो जाएगा? 0.725, तो इंटू यहाँ पे 0.725, जीरो पॉइंट जस्ट वन मिनट 0.725, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है सॉल्व करने पे। 0.85 इंटू 0.725, तो हमें मिल रहा है H1 का वैल्यू 0.61625, यानी H1 हमारा मीटर में आ रहा है। H1 हमारा, इसको हम MM में चेंज करेंगे, तो 616.25 MM हमारा क्या हो जाएगा? H1 का वैल्यू हो जाएगा। तो हमने क्या निकाल लिया? प्रेशर हेड निकाल लिया। दूसरा हमको क्या निकालना है? फाइंड प्रेशर, प्रेशर भी फाइंड करना था। तो प्रेशर हमारा क्या होता है? प्रेशर हमारा होता है रो जी एच। तो रो का वैल्यू हमको पता है, रो का वैल्यू नहीं पता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको दे रखा है 0.85, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 है, तो रो हमारा कैसे निकलेगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 850 हमारा क्या मिल जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगा, डेंसिटी मिल जाएगा। तो रो का वैल्यू 850 इंटू जी का वैल्यू 9.81 इंटू एच, एच हमारा कितना है? तो एच हमारा कितना राइज था? 725, तो 7.25 सॉल्व करेंगे तो 0.725। अब इसको केवल सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व कर लेते हैं 850 गुणे 9.81 गुणे 0.725। इसको सॉल्व करने पे हमको क्या मिल जाएगा? प्रेशर, तो ये कितना आ रहा है मेरा? 6045.4125 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पे प्रेशर आ रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। हॉरिजेंटल वेंचुरी मीटर विथ इनलेट एंड थ्रोट डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ वाटर। रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड टू इनलेट एंड थ्रोट इज 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, डिटरमाइन फ्लो रेट इफ CD इक्वल टू 0.98। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें जो जो चीज टर्म दिए गए हैं। इस टर्म को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया क्या दे रखा है? हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर इनलेट एंड थ्रोट डायमीटर। तो इनलेट डायमीटर D1 हमारा कितना है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो 0.2 मीटर। फिर D2 हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर। यूज टू मेजर फ्लो रेट, द रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड टू इनलेट थ्रू 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो हेड जो हमारा है वो 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के इक्वल है, तो यहाँ पे हेड जो हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2, और ये हमारा क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर माइनस वन।
तो ये हो जाएगा 0.2। हेड हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो एस एम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी होता है 13.6, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1-1। तो 0.2 इंटू 13.6 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो 12.6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 12.6, तो हमको मिलेगा 2.52 मीटर। ये हमारा क्या मिल गया, हेड मिल गया। तो अब हेड मिल चुका है तो बस आसानी से, और सी डी का भी वैल्यू हमको दे रखा है, सी डी हमको कितना है 0.98। अब आपको करना क्या है कि डायरेक्ट को फॉर्मूला लगाना है फ्लो रेट का, यानी क्यू का। क्यू एक्चुअल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, A1 इंटू A2 इंटू सी डी इंटू रूट 2GH अपॉन रूट अंदर A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। अब बस आपको सारे वैल्यू पुट कर देना है। अब यहाँ पे A1 और A2 कैसे निकालेंगे, तो A1 हमारा क्या हो जाएगा पाई बाई 4 D1 स्क्वायर और A2 हमारा हो जाएगा पाई बाई 4 D2 स्क्वायर। तो पाई बाई 4 D1 स्क्वायर, D का वैल्यू कितना है हमारा 0.2 का स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 4 D2 स्क्वायर, तो D2 हमारा कितना है 0.1 इसका स्क्वायर। इस तरह से आप दोनों को निकाल लेंगे एरिया को और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, क्यू एक्चुअल यानी फ्लो रेट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका और वाला पार्ट। तो क्या बोला है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ओरिफिस मीटर। तो ओरिफिस मीटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपको एक्सप्लेन करना है और इसका जो थियोरेटिक एक्चुअल वैल्यू है क्यू एक्चुअल, इसका फॉर्मूला होता है सी डी इंटू A1 इंटू A0, सी डी इंटू A1 इंटू A0 रूट 2GH अपॉन रूट अंदर A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर। तो इसको आपको ड्राइव करके प्रूफ भी करना है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड ऑन ए वर्क टन, फोर्स एग्जर्टेड एंड वर्क टन बाय द जेट ऑफ वाटर डायमीटर 100 mm। तो वाटर का डायमीटर दे रखा है, डी के वैल्यू 100 mm, 100 mm का मतलब हो गया 0.1 मीटर। ऑन स्टेशनरी फ्लेट प्लेट, यानी एक फ्लेट प्लेट है और ये स्टेशनरी है, यानी इस पे हम अगर फ्लूड से फोर्स करा रहे हैं, जेट से फोर्स डाल रहे हैं, तो ये स्टेशनरी रह रहा है यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है। द जेट स्ट्राइक द प्लेट नॉर्मली, नॉर्मली लग रहा है, वेलोसिटी 25 सेंटीमीटर, वेलोसिटी कितना दे रखा है 25 मीटर पर सेकेंड। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, फोर्स एग्जर्टेड। तो फोर्स हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, फ्लेट स्टेशनरी फ्लेट सरफेस के लिए रो ए बी स्क्वायर। तो रो हमारा क्या हो जाएगा, वाटर की बात की है तो रो वाटर कितना होता है 1000 इंटू ए हमारा कितना हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तो डी का वैल्यू 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 25 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आंसर कितना आता है। तो 1000 इंटू पाई बाई 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू इंटू कितना है आपका 25 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे हमको मिल रहा है फोर्स जो हमारा आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है 49.08.7 न्यूटन। ये हमारा कितना मिल गया, फोर्स मिल गया। देखिए अब फोर्स मिल चुका है तो फोर्स भी पूछा था, फोर्स एंड वर्क डन, वर्क डन भी निकालना है। तो स्टेशनरी यहाँ पे है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन हमारा क्या होता है, एफ एक्स एंटी यू। तो यू तो हमारा यहाँ पे जीरो हो गया, क्यों जीरो हो गया, क्योंकि ये स्टेशनरी प्लेट है यानी आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो प्लेट का कोई मोशन ही नहीं है, तो वहाँ पे यू क्या हो जाएगा जीरो। तो एफ एक्स हमको कितना भी इंटू जीरो क्या हो जाएगा हमारा जीरो। तो वर्क डन इस केस में क्या होगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन, इस तरह से आप इस 9th नंबर क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन पे, 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वर्क डन बाई अ जेट ऑफ वाटर हैविंग वेलोसिटी वी एंड मूविंग वर्टिकल प्लेट हैविंग वेलोसिटी यू विथ सुटेबल अजम्पशन। तो इस तरह का एक प्लेट है आपके पास इंक्लाइंड, या
और इसमें आपको एक जेड से क्या हो रहा है, इंक्लाइंड सरफेस पे इसको पास कराया जा रहा है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, फोर्स और वर्क डन का रिलेशन फाइंड करना है। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो डेरिवेशन एक तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेल्टन भील विथ नेट स्केच। यानी पेल्टन भील का आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग नेट स्केच के मदद से दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग फॉर अ टर्बाइन। पहला है हाइड्रोलिक इफिशियंसी। तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या होता है, तो आप देखेंगे हाइड्रोलिक इफिशियंसी को। तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी को हम डिनोट करते हैं एनएच से और नेटा एस से, और इसका फॉर्मूला होता है रनर पावर यानी आरपी बटा डब्ल्यूपी, रनर पावर बटा वाटर पावर। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, हाइड्रोलिक इफिशियंसी का। मैकेनिकल इफिशियंसी देख लेते हैं। मैकेनिकल इफिशियंसी को डिनोट करते हैं नेटा एम से। तो मैकेनिकल इफिशियंसी का हमारा फॉर्मूला हो जाता है मैकेनिकल इफिशियंसी का शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। तो एस पी बाई आर पी, शाफ्ट पावर बाई रनर पावर, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, मैकेनिकल इफिशियंसी का। अब ओवरऑल इफिशियंसी को हम डिनोट करते हैं नेटा ओ। तो ओवरऑल इफिशियंसी हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर, शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। यानी एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि पावर आउटपुट एट शाफ्ट अपॉन पावर इनपुट बाई वाटर एट टर्बाइन इनलेट। यानी पावर शाफ्ट पे कितना मिल रहा है और हम पावर कितना दे रहे हैं, वो हमारा ओवरऑल इफिशियंसी निकालता है। तो ये तीनों टर्म को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप विथ नेट स्केच। सेंट्रीफ्यूगल पंप को आपको नेट स्केच की वजह से हेल्प से डिस्क्राइब करना है। इसका और वाला पार्ट देख लेते हैं। तो और वाला पार्ट में क्या है आपका, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, यानी किसी भी दो पे एस एच, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी और प्राइमिंग एंड इट्स मेटर। तो इन तीनों में से किसी दो पे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसको आपको याद रख लेना है और इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे। हो सकता है इस बार ड्राफ्ट ट्यूब से आपको शॉर्ट नोट्स पूछे जाए। तो ड्राफ्ट ट्यूब को आपको इसमें इंक्लूड करके याद कर लेना है। सो आशा करते हैं इस तरह के ये जो आपका टॉपिक था फ्लूइड मैकेनिक्स का, फ्लूइड मैकेनिक्स का आपका जो 3rd सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, 3rd सेमेस्टर ये PYQ जो था आपका, तो इसमें हमने सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए एंड सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस किए। सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स से जुड़े हुए सारे न्यूमेरिकल देखने के लिए जो डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर में पूछे जाने वाले हैं उसका हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो वहाँ पे आपको मेरा वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा और वो हमारे डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर से रिलेटेड ही है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।